दोस्तों जवान फिल्म के बाद कहा जा रहा है कि एटली शाहरुख खान और थालापति विजय के साथ फिल्म बनाएंगे और एटली किसी हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ मिलकर फिल्म की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एटली अपनी नेक्स्ट फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ बनाएंगे। तो क्या सच है और क्या झूठ, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों शाहरुख, सलमान और ऋतिक सब ने इटली को ठुकरा दिया है। तो उसके बाद इटली पहुंचे साउथ के मेगा सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के पास। जी हाँ, ये खबर सुनकर सभी फैंस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। इटली को ना ही शाहरुख का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही सलमान ने उनकी फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया है और ऋतिक ने तो अभी तक जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद खबर आ रहा है कि इटली ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी अगली फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ ही बनाएंगे। कहा जा रहा है कि इटली अपनी अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बिल्कुल सही दिशा में है और 2024 के एंड तक इटली अपनी अगली फिल्म का काम शुरू कर सकते हैं। ये एक जबरदस्त कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे अल्लू अर्जुन ने पहले कभी नहीं किया होगा। अगर ऐसा हुआ और फिल्म सच में अलग हुई तो ये इंडस्ट्री के बाकी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अल्लू अर्जुन और इटली दोनों ही इस कोलैबोरेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आपको बता दें कि ऑफिशियल तौर पर अभी इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि पिछले 2 महीने में इटली ने सलमान खान से भी कई बार मुलाकात की, लेकिन बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। कोलैबोरेशन के लिए इटली रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन से भी मिले। रिपोर्ट की माने तो आने वाले 1 महीने में ये तय हो जाएगा कि इटली की फिल्म में कौन लीड रोल में होगा। हालांकि अल्लू अर्जुन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।